नमस्कार, मैं संजीत शर्मा। मुंबई डिवीजन में मोटरमैन बनने के लिए एक साइको टेस्ट दिया जाता है, तो मैं उसी साइको टेस्ट के सिलेबस के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। कितने टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, प्रत्येक टाइप में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं और कितना समय दिया जाता है, मैं इसके बारे में आज जानकारी देने वाला हूँ। जानकारी देने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि किसी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे किसी प्रकार का एग्जाम हो, यदि सिलेबस के बारे में जानकारी आपको है तो समझिए कि आप वहीं पे 50% सफल हैं। तो किसी भी एग्जाम का सिलेबस की जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो मुंबई डिवीजन में मोटरमैन साइको टेस्ट जो लिया जाता है, इसमें कुल 6 टाइप से प्रश्न पूछा जाता है जो इस प्रकार से है। पहला, फाइंड आउट द फिगर, फाइंड आउट द फिगर। दूसरा जो है मेमोरी टेस्ट, मेमोरी टेस्ट। तीसरा जो है न्यूमेरिकल टेस्ट, कर इसको हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑपरेशन टेस्ट। फिर चौथा जो है ज्वाइनिंग फिगर टेस्ट, ज्वाइनिंग फिगर। इंटेलिजेंस टेस्ट। छठा जो है कलर लाइट, कलर लाइट सिग्नल टेस्ट, कलर लाइट सिग्नल टेस्ट। तो यही 6 प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। फाइंड आउट द फिगर, या इसको हम बोल सकते हैं ड्रा आउट द फिगर, या इसको बोल सकते हैं ट्रेस आउट द फिगर। फिर जो है मेमोरी टेस्ट, न्यूमेरिकल टेस्ट, या इसको बोल सकते हैं नंबर ऑपरेशन टेस्ट, काउंट टेस्ट भी बोल सकते हैं। ज्वाइनिंग फिगर टेस्ट, इसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट और कलर लाइट सिग्नल टेस्ट। तो चलिए मैं एक एक करके बताता हूं कि प्रत्येक टाइप में कितना प्रश्न रहता है और कितना समय दिया जाता है। जो फर्स्ट आपका है फाइंड आउट, फाइंड आउट द फिगर, फाइंड आउट द फिगर, या इसको बोल सकते हैं ड्रा आउट द फिगर, या इसको बोल सकते हैं ट्रेस आउट द। तो जो पहला टाइप है इसमें पहले 7 क्वेश्चन दिया जाएगा, 5 मिनट का समय दिया जाएगा, लेकिन इसका मार्क्स जो है काउंट नहीं, इसका मार्क्स काउंट नहीं। पुनः इसी में 9 क्वेश्चन दिया जाएगा, 10 मिनट का समय दिया जाएगा और इसका मार्क्स काउंट, इसका मार्क्स काउंट। पुनः इसी टाइप में 9 क्वेश्चन दिया जाएगा, 10 मिनट का समय दिया जाएगा और इसका भी मार्क्स काउंट। यानी जो 7 प्रश्न दिया जाता है पहले, वो मान लीजिए कि प्रैक्टिस के लिए दिया गया। इसके बाद जो इसमें 9 क्वेश्चन दिया जाएगा, इसका मार्क्स काउंट होगा। 9 क्वेश्चंस, 10 मिनट समय दिया जाएगा। पुनः 9 क्वेश्चन दिया जाएगा, 10 मिनट का समय दिया जाएगा, ये दोनों का मार्क्स काउंट होता है। लेकिन अब इसमें प्रश्न कैसा रहता है, ये भी जानकारी होना चाहिए। तो देखिए क्या करेगा कि इसमें एक फिगर आपको देगा, एक फिगर आपको किसी प्रकार का बनावट, मान लिया जाए कि ऐसा इसका बनावट है, ये मेन बनावट ऐसा है, और इसको क्या करेगा कि ए बी सी और डी 4 ऑप्शन आपको देगा और चारों में से किसी ऑप्शन में जो ये फिगर है इसको जटिल करके इसमें दे देगा। मान लिया जाए कि हम इसमें ऐसा बना दिए,
इसमें इस प्रकार से बना दिए, ऐसा कर दिए, इसमें जो है इस प्रकार से बना दिए, ऐसा कर दिए, ऐसा कर दिए, इसमें जो है इस प्रकार से बना दिए, ऐसे कर दिए, यानी किसी प्रकार के जैसा भी जटिल बन सकता है बना देगा और बोलेगा कि ए वाला जो फिगर है ये किस ऑप्शन में है, जिस ऑप्शन में है ऐसा ही आपको जो है उस पर पेंसिल चलाना है। तो मान लिया जाए कि ए वाला हम इस प्रकार से इसको जटिल थोड़ा कर देते हैं, तो देखिए ए वाला जो बनावट है यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेम जैसा बनावट है ऐसा ही आपको पेंसिल से ड्रा करना रहेगा, ट्रेस करना रहेगा, फाइंड करना रहेगा, पता करना रहेगा। तो यही इसका पैटर्न है, पहला पैटर्न यही है। तो इसमें हम लोग फाइंड आउट टेस्ट के बारे में देख लिए, अब देखेंगे मेमोरी टेस्ट के बारे में। तो यहां पर देखिए मेमोरी टेस्ट, मेमोरी टेस्ट। तो मेमोरी टेस्ट जो है इसका जो प्रारूप जो बनावट है इस प्रकार से रहेगा, पहले आपको 12 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको आप 3 मिनट देखिए, उस 12 जो प्रश्न दिया जाएगा एक ही पेज में रहेगा, 3 मिनट देखिए और इसके बाद 3 मिनट में आपको जो है आंसर देना है, यानी कुल जो है 6 मिनट का समय दिया जाएगा लेकिन दो पार्ट में दिया जाएगा, एक पार्ट 12 जो प्रश्न दिया हुआ है उसको देखने के लिए दिया जाएगा और फिर जो बैक पेज में आंसर देने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। पुनः जो है 12 प्रश्न दिया जाएगा, 3 मिनट का समय दिया जाएगा देखने के लिए और 3 मिनट का समय जो है आपको सॉल्व आउट करने के लिए दिया जाएगा, यानी टोटल मेमोरी टेस्ट में जो है 24 प्रश्न रहेगा लेकिन दो पार्ट में आपसे लिया जाएगा टेस्ट। कैसा रहेगा ये, इसका प्रारूप कैसा रहेगा, देखिए एक ही पेज में आपको जो है एक ही पेज में 12 को जो है मेमोरी दिया जाएगा, इस प्रकार से 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 12 मेमोरी एक ही पेज में दे दिया गया। इसको आपको 3 मिनट का समय दिया जाएगा देखने के लिए, देखिए 3 मिनट में देखिए, फिर बोलेगा कि पेज को पलटिए और 3 मिनट में यहाँ पे आपको जो है देखना है, लेकिन इसका ऑप्शन जो है इस प्रकार से रहेगा यस और नो। जो आप यहाँ पे फिगर देखे हैं वो है या नहीं यहाँ पे आपको टिक करना रहता है, मतलब वही गोलाकार। अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑपरेशन टेस्ट, न्यूमेरिकल टेस्ट। तो देखिए न्यूमेरिकल टेस्ट, तो न्यूमेरिकल टेस्ट जो होता है या नंबर ऑपरेशन टेस्ट जो होता है, इसमें आपका टोटल प्रश्न जो है 132 प्रश्न रहता है और इसके लिए जो है 15 मिनट का समय दिया जाता है। नंबर ऑपरेशन टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या कितना है, 132, इसके लिए जो है 15 मिनट का समय दिया जाता है। देखिए इसमें जो है मल्टीपल, सब्ट्रैक्शन और एडिशन पूछा जाता है, मल्टीपल सब्ट्रैक्शन और एडिशन पूछा जाता है। मल्टीपल से जो प्रश्न रहेगा उसकी संख्या जो है 44 रहेगा, सब्ट्रैक्शन से जो प्रश्न रहेगा उसकी संख्या जो है 44 रहेगा और एडिशन से जो प्रश्न पूछा जाएगा उसकी संख्या जो है 44 रहेगा। यदि मल्टीपल दिया हुआ है पहले तो लगातार 44 मल्टीपल रहेगा, सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है तो लगातार सब्ट्रैक्शन रहेगा 44, एडिशन दिया हुआ है तो लगातार एडिशन जो है 44 रहेगा, यानी टोटल क्वेश्चन की संख्या जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन ये रहेगा 130। इसके लिए कितना समय दिया जाएगा, 15 मिनट का समय दिया जाएगा। तो देखिए जो मल्टीपल रहेगा वो आप जो मल्टीपल रहेगा वो आपको डबल डिजिट, देखिए डबल डिजिट इंटू सिंगल डिजिट, यानी ऐसे रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा, जैसे 96 डबल डिजिट इंटू सिंगल डिजिट,
इस फॉर्म में आपका रहेगा मल्टीपल, सब्ट्रैक्शन टू डिजिट में रहेगा, जैसे 96 माइनस 84 इस प्रकार से आपका रहेगा। इस फॉर्म में आपका क्या रहेगा, सब्ट्रैक्शन रहेगा। एडिशन जो है टू डिजिट और इनटू थ्री डिजिट, यानी 22, 32 या 56 इस प्रकार से, और इस फॉर्मेट में आपका जो है एडिशन रहेगा। इसका जो ऑप्शन का प्रारूप है इस प्रकार से रहेगा, दो प्रश्नों के लिए एक ही ऑप्शन में आंसर दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लेते हैं 32 मल्टीपल 6 है और आपका जैसे 37 मल्टीपल 8 है, तो इसका जो भी आंसर आएगा ए बी सी और डी, यानी ये दोनों के लिए, ये दोनों प्रश्न के लिए आंसर यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। इसका भी आंसर इसी में आपको मिलेगा, इसका भी आंसर इसी में, यानी दो प्रश्नों के लिए एक ही ऑप्शन दिया हुआ रहता है। हम लोग देखेंगे ज्वाइनिंग फिगर टेस्ट। ज्वाइनिंग फिगर यानी चौथा पैटर्न जो है वो रहेगा ज्वाइनिंग फिगर टेस्ट। तो ज्वाइनिंग फिगर टेस्ट में जो है कुल आपका 25 प्रश्न रहेंगे, 25 क्वेश्चंस रहेगा। इसके लिए आपको जो है 10 मिनट का समय दिया जाएगा। ज्वाइनिंग फिगर टेस्ट में 25 प्रश्न पूछा जाता है और 10 मिनट का समय दिया जाता है। इसका पैटर्न कैसा रहेगा देखिए, इसमें क्या करेगा कि छोटा छोटा टुकड़ा में आपको जो है प्रश्न दिया जाएगा, इस प्रकार से आपका जो है प्रश्न दे देगा, और इसको क्या करेगा कि ऑप्शन ए बी सी डी में आपको एक ज्वाइन करके फिगर बनाया हुआ रहेगा, जैसे ऑप्शन ए बी सी और डी, यहां पर आपको ये क्या करेगा कि इसको ज्वाइन करके कहीं पे आपको बना देगा, किसी ऑप्शन में रहेगा। तो जिस ऑप्शन में इसको ज्वाइन करके बना देगा, आपको लगेगा कि इसको अगर हम एक में मिलाते हैं तो यही फिगर बनेगा, तो जो आपको लगता है कि ये बनेगा वही आपका, मान लिया जाए कि बी में आपको लगता है तो बी ऑप्शन हो जाएगा। बात इंटेलिजेंस टेस्ट, तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो है इंटेलिजेंस टेस्ट बुद्धि परीक्षण टेस्ट, तो इसमें आपको 90 प्रश्न रहता है, 90 क्वेश्चन रहेगा और इसमें आपको 30 मिनट का समय दिया जाता है। 90 प्रश्न 30 मिनट का समय दिया रहा, कथन रहता है, इस प्रकार के प्रश्न आप देखे होंगे। नेक्स्ट जो है कलर लाइट सिग्नल टेस्ट, ये कंप्यूटर पर लिया जाता है, आपको ग्रीन येलो जो भी है एक कलर दिखाया जाएगा, विद इन सेकेंड में उसको जो है आपको सेम कलर को प्रेस करना रहता है। तो इस प्रकार से 6 पैटर्न है जो मोटरमैन साइको में पूछा जाता है। साइको टेस्ट में मैं 3 बात बता रहा हूँ जिस पर ध्यान देना होता है, यदि एक भी पॉइंट को आप छोड़ देते हैं तो साइको गड़बड़ होने की संभावना होती है। देखिए P4 पैटर्न, यानी आपको साइको टेस्ट में पैटर्न का जानकारी होना चाहिए, पैटर्न का जानकारी नहीं है तो साइको जय हिंद। P4 पैटर्न हो गया, P4 प्रैक्टिस, यानी आपको साइको का प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तो देखिए पहला पैटर्न का जानकारी होना चाहिए, इसके बाद P4 प्रैक्टिस करना चाहिए, इसके बाद P4 पैसेंस रखना चाहिए, अगर पैसेंस नहीं रहा साइको में तभी समाप्त, यानी साइको टेस्ट में पैटर्न का जानकारी होना चाहिए, इसके बाद प्रैक्टिस होना चाहिए, इसके बाद पेशेंस रखना चाहिए। जो तीनों रखते हैं वो साइको में 100% सफल होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, हल करते हैं।